अनलॉक के बाद रविवार को पहले लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने शनिवार की रात शहर में फ्लैग मार्च निकाला। स्टेशन रोड पुलिस थाने से कलेक्टर रुचिका चौहान, एसपी गौरव तिवारी सहित प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी वाहनों का काफिला लेकर शहर के प्रमुख क्षेत्रों से निकले। वाहनों के घुसते हुतर से नागरिकों में भय व्याप्त रहा। रविवार को सुबह से लॉकडाउन का असर देखा गया। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। प्रदेश सरकार ने अब प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रखने के आदेश जारी किए हैं। शहर के दोवत्ती से सैलाना बस स्टैंड तक बन रहे सिटी फोरलेन में कई तरह की खामियां सामने आने लगी है। इस फोरलेन के लिए नगर निगम ने सड़क के बीच में आने वाले बिजली के पोलों को भी कई जगह से नहीं हटाया है, जिसके कारण सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार ने भी इन बिजली पोलों को बीच में रखते हुए सड़क का निर्माण करना जारी रखा है। अब ऐसे में यह बिजली के पोल बीच सड़क में खड़े रहेंगे तो यातायात प्रभावित होने के साथ साथ दुर्घटना के कारण भी बन सकते हैं। नगर निगम की इस लापरवाही की वजह है सड़क निर्माण के दौरान किसी भी इंजीनियर का मौजूद नहीं रहना है। नगर निगम के आला अधिकारी खुद स्वीकारते हैं कि दो दिन में एक बार सड़क निर्माण को जाकर देखते हैं। अब ऐसे में सड़क किस तरह से बनेगी और वह कितने उपयोगी रहेगी यह तो समय बताएगा, लेकिन बीच सड़क में आए बिजली के पोलों का अब बनी हुई सड़क से निकालने के लिए बनी हुई सड़क को फिर खोदा जाएगा। ये पूरा सिटी कॉन्वेंट से लेके सैलाना बस स्टैंड इधर शहर सराय से लेके डाट के पुलिया तक ये जो काम था ये लगभग 16 करोड़ का है, जिसमें हमारा न्यू रोड पूरा कम्प्लीट हो चुका है और पावर हाउस वाला जो रोड चल रहा है उसकी एक साइड की पट्टी का सीमेंट कंक्रीट का काम अभी प्रगति पे है। हम चूँकि वर्षा ऋतु है इसलिए हमें लगता है कि 3.5-4 महीने के अंदर हमारा ये काम लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एम पी वी के जो पोल हैं जो हमारी उसमें आ रहे हैं वो चिन्हित हैं और ठेकेदार द्वारा पूरी सामग्री लेके भी आ गए हैं। पोल शिफ्टिंग का कार्य भी लगभग 2-3 दिन में प्रारंभ। आपने कब आखिरी बार निरीक्षण करा था जब वो सड़क निर्माण चल रहा है? मैंने 2 दिवस पूर्व। क्या आपको पता है कि जो सड़क निर्माण हुआ है उसमें 2 खंभे ऐसे हैं जहाँ पर सड़क बन चुकी है सीसी की और जी सड़क खंभे बीच में है जी, क्या आपको इस बात की जानकारी? जिस पट्टी में अभी सड़क बन चुकी उसमें पोल कॉन्क्रीट वाले पोर्शन में है वो हमने बता दिया है, वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये वापस सड़क खुदेगी कि क्या रहेगा? नहीं, सड़क केवल वो वहाँ से कट जाएगा इसलिए सड़क नहीं खुदेगी। कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच रतलाम मेडिकल कॉलेज के कोविड हॉस्पिटल से रविवार को 7 पेशेंट स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर जमुना भिड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित तथा हॉस्पिटल स्टाफ उपस्थित था। रविवार को रतलाम के हरमाला रोड, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर तथा करमदी रोड के रहवासी पेशेंट स्वास्थ्य लाभ उपरांत अपने घर पहुंचे। करमदी रोड के 4, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और हरमाला रोड के 1-1 पेशेंट शामिल है। शहर के बाजार क्षेत्र की एक कॉलोनी में अज्ञात आरोपी ने दिन दहाड़े एक घर में घुसकर महिला के आंखों में मिर्ची झोंक कर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। शुभम श्री रेसिडेंसी तेजा नगर निवासी पुखराज बाई पति आनंदीलाल 63 वर्षीय दोपहर में करीब 3:30 बजे अपने घर पर थी। इसी समय एक अज्ञात युवक उनके घर में घुसा और पुखराज भाई की आंखों में मिर्ची झोंक कर सोने की चेन खींची और वहीं घर में रखा पर्स उठाकर भाग गया। घटना के समय महिला की बहू घर में ही थी लेकिन वह कुछ समझ पाती उसके पहले ही बदमाश भाग निकला। महिला के बेटे ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि लूटी हुई चेन 18 ग्राम की थी और बैग में भी रुपए रखे थे। घटना के समय महिला का पति और उसका बेटा चोमुखी पुल स्थित अपनी दुकान पर थे। घर में सास और बहू थी। बहू ने फोन लगाकर दुकान पर बताया जिसके बाद पिता पुत्र घर पर आए और पड़ोसियों की मदद से घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना माणक चौक पुलिस थाने पर दी गई। थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है। वो घर में घुस के ने मिर्ची डाल के चेन ले गया। हाँ पर्स भी है। कहाँ माता जी बैठी हुई थी? नहीं, रूम में, घर के अंदर रूम बना हुआ है। चूल्हा वगैरह पहचान में आया? नहीं, कुछ भी नहीं, रुमाल बांध रखा था मुंह पे, अब दिखेगा कैसे? कौन कौन था उसका नगर?
मिसेस थी और मदर थी। महाराष्ट्र थाना क्षेत्र अंतर्गत सुधांशु रेसिडेंसी है, आगरा का इलाका है, त्रिवेणी जो मुक्ति धाम है उसके पास में लगा हुआ कॉलोनी है। कॉलोनी के जो दूसरा नंबर गेट है वही कोने पर ही उनका मकान है। बताया घटना इस तरह से, उन्होंने बताया कि वो करीब दिन में 4:30 बजे अपने कमरे में लेटी हुई थी, दरवाजे खुले हुए थे, तो वो ये बदमाश अज्ञात बदमाश आया जिसको देख भी नहीं पाई, उन्होंने उनकी आँख पर कुछ डाला और गले में एक चेन की झटका मारा, और जब तक वो कुछ होती चिल्लाती उनके भाव है जब तक तो निकल चुका था। तो जब उन्हें चेक करा तो एक पर्स और उनका चेन गले में नहीं मिली है, जिसकी रिपोर्ट थाने पर की गई है, भूकमान में दर्ज किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अज्ञात आरोपी के दलों से हमने आसपास सब सर्च कराया, कोई कैमरा वगैरह दिख गया, किसी ने कोई आसपास घटना देखी हो तो आसपास कॉलोनी के लोगों से हमने पूछताछ करी, लेकिन अभी किसी ने कुछ देखा बताया नहीं है। हम लोग सर्च कर रहे हैं, आसपास कोई कैमरा मिल जाए तो उसमें हम आगे इन्वेस्टिगेशन जा कर रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर एवं पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री शोभा पोरवाल के निर्देशानुसार साबिर अहमद खान, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम के मुख्य आतिथ्य में एवं सुश्री पूनम तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी रतलाम के विशेष आतिथ्य में विधिक जागरूकता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम बाल संप्रेक्षण गृह एवं वृद्धाश्रम बिरियाखेड़ी रतलाम में आयोजित किया गया। इस मौके पर साबिर अहमद खान ने अपने उद्बोधन में बाल संप्रेक्षण गृह में रह रहे 11 बच्चों से उनकी समस्याएं सुनी एवं विचाराधीन प्रकरण की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर कार्यक्रम में बाल संप्रेक्षण गृह एवं वृद्धाश्रम के परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु लक्षित सरोकार अभियान जल से ही कल जीवन है अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया।